फ्री में सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल कहानी सबकी को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप चैनल केस के यानी की कहानी सबकी में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त तनीश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उर्वशी राउतेला के बारे में, तो आइए हम जानते हैं उनकी पूरी कहानी को। दोस्तों, उर्वशी राउतेला एक मॉडल और फिल्म अभिनेत्री हैं। बेहद खूबसूरत उर्वशी साल 2012 की मिस यूनिवर्स भी रह चुकी हैं। उर्वशी की प्रसिद्ध फिल्मों में सनम रे, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, हेट स्टोरी 4 और पागलपंती जैसी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, उर्वशी राउतेला का जन्म उत्तराखंड में कोटद्वार में 25 फरवरी 1994 को हुआ था। इनके पिता का नाम मनवर सिंह और माता का नाम मीरा सिंह है। बिजनेस घराने से ताल्लुक रखने वाले उर्वशी राउतेला का एक भाई भी है जिसका नाम यश राउतेला है। अगर पढ़ाई की बात करें दोस्तों, तो उर्वशी कोटद्वार में अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और नई दिल्ली के गार्गी कॉलेज में अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की। इन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी स्कूल ऑफ फिल्म एंड एक्टिंग टैलेंट्स में अभिनय में डिप्लोमा पूरा किया। उर्वशी शुरुआत में इंजीनियरिंग करना चाहती थी और IIT परीक्षा में शामिल भी हुई, लेकिन सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के कारण उनका झुकाव फैशन उद्योग की ओर आ गया। उर्वशी राउतेला के फिल्मी करियर की बात करें तो उर्वशी ने अपने स्कूल के दिनों में ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था और मात्र 17 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज अपने नाम किया। साल 2011 में उन्हें मिस टूरिज्म क्वीन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। उर्वशी ने 2011 में मिस एशियन सुपर मॉडल का खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं। इनके बारे में एक बात ये भी है दोस्तों कि पहली बार 2012 में उर्वशी ने मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया, पर कम उम्र होने के कारण उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद भी उर्वशी ने हार नहीं मानी और साल 2015 में हिस्सा लिया और विजेता भी बनी। उर्वशी राउतेला ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक्शन रोमांस बेस्ड फिल्म सिंह साहब दी ग्रेट से की थी और इस फिल्म में वो सनी देओल की पत्नी की भूमिका में नजर आई थी। इसके बाद बॉलीवुड के रैपर हनी सिंह के वीडियो एल्बम लव डोज में दिखाई दी। बॉलीवुड के साथ साथ उर्वशी ने कुछ कन्नड़ फिल्में भी की हैं। अब चलिए दोस्तों, हम अंत में जान लेते हैं उर्वशी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। उर्वशी खाली समय में नृत्य, योग, जिमिंग, पानी के खेल और बाइकिंग करना पसंद करती हैं। उर्वशी राउतेला ऋतिक, श्रीदेवी, सुष्मिता सेन की एक बड़ी प्रशंसक हैं। अगर पसंदीदा चीज़ों की बात की जाए तो इनका सबसे पसंदीदा खाना है मोमोज, जलेबी, पानी पूरी, दही वड़ा, इटालियन और जापानी व्यंजन। उर्वशी से जुड़ा ये फैक्ट बहुत कम लोग ही जानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी आवश्यकताओं में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए उर्वशी राउतेला फाउंडेशन के वो संस्थापक हैं। दोस्तों, अगर उर्वशी आज एक एक्ट्रेस नहीं होती तो वो ज़रूर एक इंजीनियर या IAS अधिकारी होती। तो दोस्तों, उनका नया गाना कंगना विलायती आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, और वो आपको कैसी लगती हैं प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।